हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अकबर शेख। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूँगा आज। दोस्तों, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप जिन व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उन ग्रुप में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी वीडियो देखें। जितने वीडियो देखे जाएंगे उतनी प्रैक्टिस करने में लोगों को मदद होगी। जितने प्रैक्टिशनर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बढ़ेंगे उतना फ़ायदा हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ही होगा। दोस्तों जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसरोसो ग्रुप के मेडिसिन कैंसरोसो 15 की। इस औषधि को बनाने के लिए 6 औषधीय पौधों का इस्तेमाल हुआ है। यह औषधि किसी भी टेम्परामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के मरीज को दी जा सकती है। आइए उसके औषधि उन पौधों के औषधीय गुणधर्मों को समझते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें मिश्रित पौधे हैं दोस्तों। पहले नंबर पे है मार्सेडेनिया कुंडुरोंगो। यह मुख्य रूप से पेट दर्द और पेट में जलन हो उसमें बहुत जल्दी आराम पहुंचाती है। इपी गैस्ट्रिक पेन, नौशिया, वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है। ज़्यादा एसिडिटी होकर मरीज को जो स्टर्नम के पीछे दर्द होता है उसे यह कंट्रोल करती है। क्रॉनिक गैस्ट्रिक कैटरा हो, पेट में कैंसरस ट्यूमर हो, स्ट्रिक्चर ऑफ इसोफेगस यानी इसोफेगस के अवरोध को ठीक करती है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को बढ़ाती है। उस वजह से मरीज को अच्छी भूख लगती है और उस वजह से उसके शरीर में सेहत में सुधार होता है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों कोनियम मैकुलेटम। यह औषधि पेट दर्द के लिए उपयोगी है। खाने के बाद पेट में दर्द बढ़ता है, पेट में जलन भी होती है, लीवर एनलार्ज होकर उसमें दर्द होता है, तो उसमें फ़ायदा पहुंचाने वाली है यह दवा। जॉन्डिस हो उसमें देने से फ़ायदा पहुंचाती है। बार बार स्टूल जैसे लगना, स्टूल टॉयलेट जैसा लगना और स्टूल बाहर आने के लिए मरीज़ को स्ट्रेन करने के बाद थोड़ा स्टूल बाहर आता है, ऐसी अवस्था जो होती है उसमें देते हैं तो बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। बर्निंग इन रेक्टम उसे कम करने के लिए उपयुक्त है। ये मेल टेस्टिकल्स हार्ड होकर एनलार्ज होते हैं या उनमें सूजन होती है, और दूसरी कंडीशन है प्रोस्टेटाइटिस, उसमें देने से यह बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ एक बहुत अच्छी पेन किलर औषधि है। ये कैंसर जैसे भयानक रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक एंटी कैंसर औषधि है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जख्म हो, सूजन हो या स्किन इन्फेक्शन हो या सिस्ट हो तो उस पर मलने से काफ़ी लाभदायक है। तीसरे नंबर पे है पिम्पिनेला सेक्सीफ्रेगा। इसे स्किन में जलन के साथ खुजली, स्किन रैशेस और इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे डिस्पेप्सिया, फ्लैचुलेंस हो या डायफोरेटिक है, डायूरेटिक है, डाइजेस्टिव है, एंटी स्पाजमोटिक है। यह एंटी डायरियल, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी। शरीर के लार्ज बोन में अगर दर्द हो तो उसमें दो तो यह बहुत लाभ पहुंचाती है। गर्दन में स्टिफनेस हो उसमें गर्दन में दर्द हो, सर घुमाने पर चक्कर आती हो, दर्द हो तो उसमें देने से बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। चौथे नंबर पे है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। यह मुख्य रूप से चर्म रोगों में एरिसेपेलास यानी बारीक बारीक दाने निकलना, आर्टिकेरिया, स्किन रैशेस और खुजली, एक्जिमा, फोड़े फुंसियों में, सेलुलाइटिस या कार्बंकल की सेप्टिक कंडीशन में या ग्लैंड्स में सूजन हो उसमें देते हैं। साथ ही ये फ्लू, वायरल इन्फेक्शन में देते हैं। खून के साथ डायरिया होना, डिसेंट्री, उसके साथ होने वाले रेक्टम के दर्द में आराम देने वाली है। पेट दर्द हो उसमें भी देते हैं, पेट फूल रहा हो उसमें भी ये देते हैं तो उसमें भी बहुत आराम पहुंचाती है। पांचवें नंबर पे है दोस्तों विंसी टॉक्सिकम ऑफिसिनाले। इस औषधि का उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम की तकलीफों में जैसे एसिडिटी, नौशिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द में देते हैं। साथ ही यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जख्म के ऊपर लगा सकते हैं, सूजन हो कहीं तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं।
छठे नंबर पे है दोस्तों स्ट्रिचनॉस नक्सवोमिका। यह औषधि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, यानी शरीर में बहुत से अवयवों पर और रोगों में काम करती है। इसके अलावा मुख्य रूप से यह डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती है, जैसे स्पाज्मोटिक कॉलिक, नौशिया, वॉमिटिंग, फ्लैचुलेंस, डिस्पेप्सिया, लीवर फंक्शन का बिगड़ना, कॉन्स्टिपेशन हो, और ये स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया जिसमें नीचे की तरफ लोअर एब्डोमेन में दर्द होते हुए जेनिटल की तरफ प्रेशर पड़ता है, और अम्बिलिकल हार्निया जो बच्चों में होता है, इन सारे रोगों को ठीक करने की क्षमता इस औषधि में है। इन औषधीय पौधों के गुणधर्म और एक्शन को समझे तो कैंसरोसो 15 यह औषधि पेट से संबंधित बीमारियों की बहुत ही कारगर औषधि है। यह एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग, बर्पिंग, नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हर्निया, एब्डोमिनल पेन, कृमिनाशक, कैंसर जैसे भयानक रोग में लाभकारी है। पेट से संबंधित बीमारियों में इसके फर्स्ट डाइल्यूशन का कॉम्प्रेस या हल्के हाथों से मालिश की जा सकती है। इसके डोजेस अक्सर फर्स्ट पहले से दूसरे डाइल्यूशन में ही फ्रिक्वेंट या टीडीएस में दिए जाते हैं। एक्यूट डिजीज में फ्रिक्वेंट और मॉडरेट या क्रॉनिक डिजीज में टीडीएस देना चाहिए। फ्रिक्वेंट डोज हमेशा पिल्स बनाकर देने से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है मरीज को। दोस्तों यह थी कैंसरोसो 15 पर वीडियो। दोस्तों मैं इसी तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो सीरीज़ को आगे देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमेशा वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।